दोस्तों, मैं मनोज सर, समान हिंदी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का संधि विच्छेद चल रहा था। दोस्तों, मैंने संधि विच्छेद काफ़ी करा दिया था, कुछ बाकी था संधि विच्छेद। आज आप लोगों को संधि विच्छेद में हमको कराना है विसर्ग, विसर्ग संधि। तो देखिए दोस्तों, संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग SI की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग UP SSSC की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हिंदी में संधि से क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए दोस्तों, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन की आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि की निम्नलिखित स्थितियां दिखाई देती है। तो देखिए, नियधन चल, देखिए जिसमें बिंदी लगा रहे, आंख मूंद करिए जान जाइए, जिसमें बिंदी लगा वो विसर्ग संधि है। तो नियधन चल निश्चल होता है, नियधन चय निश्चय होता है, नियधन तार निस्तार होता है, दुधन तर दुस्तर होता है, दुधन चरित दुश्चरित होता है, दुधन चक्र दुश्चक्र होता है, मनधन ताप मनस्ताप होता है, निधन चल निश्चल होता है, निधन टूर निष्ठुर होता है, निधन चिंत निश्चिंत होता है, निधन तीज निस्तीज होता है, नमाधन तीज नमस्ती होता है, धनुधन टंकर धनुष टंकर होता है, हरिधन चंद हरिश्चंद्र होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका, दुधन शासन दुशासन होता है, निधन संकोच निसंकोच होता है, निधन संतान निसंतान होता है, निधन संग निसंग होता है, दुधन स दुसा दोष होता है, नियधन संदेह निसंधि होता है, दुधन साहस दुसाहस होता है। अगला देखिए दोस्तों, रजधन कड़ रजकड़ होता है, पयधन पान पयपान होता है, अंततधन करण अंतकरण होता है, प्रातःधन काल प्रातःकाल होता है, निधन कपट निष्कपट होता है, दुधन कर दुष्कर होता है, चतुर्धन पाद चतुष्पाद होता है, निधन पाप निष्पाप होता है, निधल्फ निष्फल होता है, दुधन कर्म दुष्कर्म होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, दुधन उपयोग दुरुपयोग होता है, निधन मन निर्मल होता है, निधन उपमा निरुपमा होता है, निधन विघ्न निविघ्न होता है, निधन भय निर्भय होता है, दुधन आचार दुराचार होता है, निधन जन निर्जन होता है, निधन आशा निराशा होता है, दुधन बल दुर्बल होता है, दुधन आशा दुराशा होता है, निधन बल निर्बल होता है, निधन धन निर्धन होता है, दुधन गुण दुर्गुण होता है, निधन आहार निराहार होता है, निधन उत्साह निरुत्साह होता है, दुधन लभ दुर्लभ होता है, निधन गुण निर्गुण होता है, निधन याद निर्यात होता है, निधन आमिष निरामिष होता है, निधन अर्थक निरर्थक होता है, वैधन मुख बहिमुख होता है, पुनर्धन जन पुनर्जन्म होता है, दुधन वासना दुवासना होता है, दुधन जन दुर्जन होता है। अगला देखिए दोस्तों, मनधन योग मनोयोग होता है, वयधन वृद्धि वयोवृद्ध होता है, मनधन रथ मनोरथ होता है, मनधन अनुकूल मनोनुकूल होता है, अधधन पतन अधोपतन होता है, मनधन विज्ञान मनोविज्ञान होता है, तपधन बन तपोबन होता है, मनधन हर मनोहर होता है, रजधन गुण रजोगुण होता है, मनधन रंजन मनोरंजन होता है, मनधन कामना मनोकामना होता है, तमधन गुण तमोगुण होता है, मनधन विकार मनोविकार होता है, मनधन बल मनोबल होता है, अधधन गति अधोगति होता है, यशधन दा यशोदा होता है, मनधन विनोद मनोविनोद होता है, तेजधन राशि तेजो राशि होता है, तपधन बल तपोबल होता है, पयधन धन पयोध होता है, अधधन भाग अधोभाग होता है, अधधन गति अधोगति होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निधन रोग निरोग होता है, नियधन रस निरस होता है, नियधन रज नीरज होता है, नियधन रव नीरव होता है। अगला देखिए दोस्तों, अतधन एव अतीव होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि नमाधनकार नमस्कार होता है, पूर्वधनकार पुरस्कार होता है, भाधनकर भास्कर होता है, सब ही सभी होता है, तब ही तभी होता है, अब ही अभी होता है, इन ही इन्हीं होता है, पढ़ धन पढ़ होता है। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन, विद्यार्थी विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है, विद्याधन अर्थी दीर्घ स्वर संधि होता है, सावधान सधन अवधान होता है, दीर्घ संधि होता है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होता है, रत्नधन आकार दीर्घ संधि होता है, यथोचित का यथाधन उचित होता है, गुण संधि होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन ऋषि गुण स्वर संधि होता है, नरेश का सही संधि विच्छेद होता है नरधनीस गुण स्वर संधि होता है, तथायव का सही संधि विच्छेद तथा धन एव वृद्ध स्वर संधि होता है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद बी धन औ धनहार यणवर संधि होता है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, अतिधन आचार यण स्वर संधि होता है, अनविच्छण का संधि विच्छेद अनुधन इच्छण होता है, नाभिक नवधन इक होता है, संदर्भ सतधन धर्म होता है, उज्ज्वल उतधन ज्वल होता है, दिगंबर दिग्धन अंबर होता है, उल्लंघन उतधन लंघन, एत मुरारी क्या होता है, एतद धन मुरारी होता है, उद्यान उद धन दय धन अय धन आ धन न धन अ उद धन डयन व्यजन संधि होता है, निश्चल क्या होता है दोस्तों, नियधन चल विसर्ग संधि होता है, नियधन कलंक निष्कलंक होता है, विसर्ग संधि, मनोबल क्या होता है, मनधन बल विसर्ग संधि होता है। संधि के कितने 3 भेद होते हैं, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। गायक का क्या होता है, गय धन अक अयादि संधि होता है।
स्वर संधि में मेल होता है, स्वरों का परमार्थ क्या होता है, परम धन अर्थ होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है, मातृणाम का शुद्ध संधि क्या होता है, मातृधन ऋणाम होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है, पुष्पांजलि संधि विच्छेद क्या होता है, पुष्पधन अंजलि दीर्घ स्वर संधि होता है, विद्याधन आला विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि होता है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद गीत धन अंजलि दीर्घ स्वर संधि होता है, तथापि शब्द का तथा धन अपि दीर्घ स्वर संधि होता है, लघुर्मी लघुधन उर्मी दीर्घ स्वर संधि होता है, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी दीर्घ स्वर संधि होता है, अन्याय अन्य धन अन्य दीर्घ स्वर संधि होता है, संग्रहालय समधन ग्रह धन आलय दीर्घ स्वर संधि होता है, गुंडकेश गुड़ाका धन ईस गुड़ स्वर संधि होता है, इसके बाद किस समुद्रोन्मी समुद्र धन उर्मी गुड़ स्वर संधि होता है, महोर्मी महाधन उर्मी गुड़ स्वर संधि होता है, मृगेंद्र मृग धन इंद्र गुड़ स्वर संधि होता है, सदैव सदा धन ईव वृद्ध संधि होता है, महासौध महाधन औसत वृद्ध संधि होता है, प्रतिधन आघात प्रत्याघात यण संधि होता है, इत्यादि इति धन आदि यण संधि होता है, नयन नेधन अन अयादि संधि होता है, गवीस गोधन ईस अयादि संधि होता है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक् धन वेद व्यंजन संधि होता है, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तत्धन शरण व्यंजन संधि होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, उत्धन ज्वल उज्ज्वल व्यंजन संधि होता है, दिग्भ्रम उदाहरण दिग्धन भ्रम व्यंजन संधि होता है, नियधन चेष्ट निश्चेट होता है, विसर्ग संधि होता है, मनोयोग मनधन योग होता है दोस्तों। इसके बाद देखिए उत्धन ज्वल उज्ज्वल व्यंजन संधि है, दिग्भ्रमण दिग्धन भ्रमण व्यंजन संधि है, नियधन चेष्ट निश्चेष्ट विसर्ग संधि है, मनोयोग मनधन योग विसर्ग संधि है, निर्भय नियधन भय विसर्ग संधि है, पुरस्कार पुराधनकार विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि निरंतर नियधन अंतर मनोरथ मनधन रथ विसर्ग संधि है, धनुष्टकार धनुधन टंकार विसर्ग संधि है, पुनर्जन्म पुनधन जन विसर्ग संधि है, निष्कपट नियधन कपट विसर्ग संधि है, बहिष्कार बहिधनकार विसर्ग संधि है, दुराशा दुधन आशा विसर्ग संधि है, रीति अनुसार रीतिधन अनुसार यण संधि है, वधूर्मी का संधि विच्छेद वधूधन उर्मी दीर्घ संधि है, शस्त्रास्त्र सतधन शास्त्र विसर्ग संधि है, उच्चारण का संधि विच्छेद उत्धन चारण व्यंजन संधि है, दो वर्णों के मेल होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, गौधन चरित गौश्चरित विसर्ग संधि है, निर्धन विसर्ग संधि नियधन धन उच्छ्वास उत्धन श्वास व्यंजन संधि है। अगला देखिए पवन पोधन अन अयात संधि है, रामायण रामधन अयन दीर्घ संधि है, भूधर्व भूधन उदर दीर्घ संधि है, अन्वेषण अनुधन ईषण यण संधि है, उड्डयन उद्धन डयन व्यंजन संधि है, अभिन्न अधन भिन्न गुण संधि है, श्रद्धानंद श्रद्धाधन आनंद दीर्घ संधि है, सदानंद सतधन आनंद व्यंजन संधि है, पुस्तकालय पुस्तकधन आलय दीर्घ संधि है, अभिधन उदय अभियोदय यण संधि है, महोत्सव महाधन उत्सव गुण संधि है, मतक्य मतधन ईक्य वृद्ध संधि है, अयादि संधि नवधन ईक नाविक व्यंजन संधि क्या है, उदाहरण त्वद्विद वाक्जल धातु अरे धातुष्मा धातुधन उष्मा दीर्घ संधि है, सुधन उक्ति सुक्ति दीर्घ संधि है, स्वर संधि का उदाहरण अन्वयन अनुधन अय यण संधि है, यद्यपि यदि धन अपि यण संधि है, तिरस्कार तिरधनकार विसर्ग संधि है, पितृधन अनुमति पित्रानुमति यण संधि है, उच्छ्वास उत्धन श्वास व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि सदाचार सतधन आचार इतिधन आदि इत्यादि यण संधि है, मनोहर विसर्ग संधि है, मनधन हर द्वापी दौधन अपि अयादि संधि है, अत्यधिक अतिधन अधिक यण संधि है, विसर्ग संधि निरंतर नियधन अंतर सरयूर्मी दीर्घ संधि है, सरयूधन उर्मी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।